2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता के लिए एक बिल लेकर आ रही है। इसे लेकर देश में इन दिनों बहस छिड़ी हुई है। इस मामले पर अलग अलग समाज के लोगों ने अपनी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। दुर्ग जिले भिलाई में रहने वाले विभिन्न सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों और प्रबुद्ध जनों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे इस बिल का समर्थन करते हुए कहा कि ये देश के लिए हितकारी होगा। सांसद विजय बघेल ने बोरिया मार्केट में जाकर व्यवसायियों से नागरिक संहिता बिल को समर्थन देने की अपील की। मैं अनेक बार इसके लिए आवाज़ उठी और आज माननीय मोदी जी का संकल्प है, हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार की एनडीए की संकल्प है कि हम सब इस बिल को लाएं और सभी सांसदों से अपील करते हैं कि वो सर्वसम्मति से इसको पास करें। अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन जब अच्छा कोई बिल आ रहा है उसका स्वागत और सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। इस संबंध में लोगों ने कहा कि देश और नागरिकों के हित में संविधान के अनुसार इसे पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए। हमारा पूरा भारतवर्ष में जो प्रत्येक नागरिक है उनको समानता का अधिकार मिलेगा, सब स्वतंत्रता मिलेगी और जहाँ तक विषय एकता सद्भाव और समानता की है, जब कानून एक नागरिक एक देश एक कानून हो और प्रत्येक नागरिक को समानता मिले तो निश्चित रूप से नागरिकों को स्वतंत्रता मिलेगी, जो हमारे देश संविधान जो संवैधानिक अधिकार है पूर्ण रूप से हमको प्राप्त होगा और निश्चित रूप से हमारे देश में जो है वो एक देश एक विधान होना चाहिए। मैं आचार्य शशिभूषण महंती, प्रधानमंत्री जो समान नागरिक संहिता ला रहे हैं ये राष्ट्रीय हित में है और एक राष्ट्र में एक प्रधान एक विधान होना चाहिए जिसको सारे नागरिक अनुसरण करें, ये राष्ट्रहित के लिए सर्वोत्कृष्ट है। समान अधिकार संहिता चल रहा है और हम लोग उसका समर्थन करते हैं। सर्व समाज समन्वय महासभा, एक देश एक विधान होना चाहिए, ये चीज़ तो पहले लागू हो जाना चाहिए देश के आज़ादी के बाद, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी जो ये लागू कर रहे हैं, हम सभी पूरा भारत देशवासी इस एक समान अधिकार संहिता का हम लोग समर्थन करते हैं। गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता में सभी धर्मों के लिए एक कानून की व्यवस्था होगी। हर धर्म का पर्सनल लॉ है जिनमें शादी तलाक और संपत्तियों के लिए अपने अपने कानून हैं। यूसीसी के लागू होने से सभी धर्मों में रहने वाले लोगों के मामले सिविल नियमों से ही निपटाए जाएंगे।